नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे इन्फेक्शंस के बारे में जो कि होते हैं स्टेफिलोकोकस के द्वारा। उसमें बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, उन सारी स्पीशीज के बारे में हम जानकारी लेंगे और वो कौन कौन से इन्फेक्शन काउज करते हैं। तो इसको हम तीन ग्रुप्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा कौन सा बैक्टीरिया, सेकेंड होगा उसके स्पेसिफिक फीचर, थर्ड होगा डिजीजेस या जो इन्फेक्शन होते हैं बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया। अब सबसे पहले जो स्टेफिलोकोकस में आता है, इम्पॉर्टेंट स्पीशीज, सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज जो कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और इसको नाम मिला है बिकॉज ये एक गोल्डन येलो कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। तो ये फीचर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि अगर आप देखेंगे गोल्डन येलो कलर पिगमेंट तो आप कहेंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस आपकी प्लेट में है, होने के चांसेस हैं। अब आइए बात करते हैं इन्फेक्शंस की। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसको कहा जाता है। फिर फूड पॉइजनिंग, वून इन्फेक्शन, क्यूटेनियस इन्फेक्शंस, उसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है बैक्टीरीमिया, एंडोकार्डिटिस, निमोनिया, ऑस्टियोमेलाइटिस, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो इस ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। इनका क्या मतलब होता है वो वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे नाम बताऊंगा आपको। अब आइए बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो कि है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। एपिडर्मिडिस वैसे तो हमारी जो स्किन में एज ए नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन एक ऑपोर्चुनिस्टिक पैथोजन जो है वो माना गया है, ये हमारी स्किन में होता है, वहीं से इसको एपिडर्मिडिस कहा गया है। और ये काउज करता है बैक्टीरीमिया, एंडोकार्डिटिस, वून इन्फेक्शन, कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं। अब आइए बात करते हैं थर्ड ऑर्गेनिज्म की जो कि है स्टेफिलोकोकस लुगडनेंसिस, और इसको नाम मिला है इसकी जो लोकेशन है जहाँ से ये फर्स्ट आइसोलेटेड हुआ था, लोकेशन है लियोन फ्रांस में, उसकी वजह से उसको ये नाम मिला है। अब जो इन्फेक्शंस हैं इसके एसोसिएटेड जो इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में जानते हैं जो कि है बैक्टीरीमिया, और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काउज करता है जैसे कि हो गया कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआईज। अब आते हैं चौथे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो कि है स्टेफिलोकोकस हेमोलिटिकस। तो यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ स्टेफिलोकोकस हेमोलिटिकस। हीमोलिटिकस आप देख ही रहे हैं यहाँ से ब्लड से एसोसिएटेड है इसका जो नाम, और इसमें जो इन्फेक्शन ऑब्वियसली जो रहेगा बैक्टीरीमिया रहेगा, और जॉइंट इन्फेक्शंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं इसके केस में, वून इन्फेक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल माना गया, और साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं स्पेसिफिकली यूटीआई जो है उसके लिए भी इस ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म्स इन द जीनस स्टेफिलोकोकस, और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, यहाँ पे मैं सारी कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको जो है उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, और बहुत सारी स्पीशीज अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस काउज करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसी तरह से आप उनके लिए भी चार्ट बना सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं लास्ट में आपको थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की। ये एक तरह का कंडीशन है जिसमें एक जो प्रोटीन है, एक टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है स्टेफिलोकोकस द्वारा, और वो इम्यून, एक इम्पॉर्टेंट इम्यून रिस्पांस जनरेट करता है, बहुत ही स्ट्रांग इम्यून रिस्पांस जनरेट करता है, और उस कंप्लीट पैथोलॉजिकल कंडीशन को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहा गया है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये कंडीशन होती है जब स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन होता है। तो अब सेकंड है इसमें फूड पॉइजनिंग, तो ये तो समझना बहुत आसान है, जब आप जो फूड लेते हैं जो कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस से कंटेमिनेटेड होगा उसकी वजह से जो है आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और वो कंडीशन आ जाएगी आपकी फूड पॉइजनिंग। वून इन्फेक्शन में हो गया, अगर आपको जो है वून हो जाता है आपकी बॉडी में और वहाँ से जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंटर कर जाता है, या कोई अदर स्पीशीज होती है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज भी ये इन्फेक्शन काउज करती हैं, तो आप कहेंगे कि वो वून इन्फेक्शन है। क्यूटेनियस इन्फेक्शन आपके स्किन के केस में आ जाता है, नेल्स, हेयर, फॉलिकल के केस में आ जाता है, वहाँ पर जो इन्फेक्शन हो रहा है वो क्यूटेनियस इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। थर्ड बैक्टीरीमिया होता है, अगर आपका वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टेड
ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है ब्लड में है, इसके केस में बैक्टेरीमिया कहा गया है इसको, तो ब्लड में अगर आपका लाइव ऑर्गेनिज्म है तो उस कंडीशन को बैक्टेरीमिया कहते हैं। एंडोकार्डिटिस आपका होता है जब आपके हार्ट वॉल में इन्फेक्शन हो जाता है, जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेसिफिकली इन द इनर लाइनिंग, तो उसको एंडोकार्डिटिस कहा जाता है। निमोनिया होता है आपका लंग इन्फेक्शन, ऑस्टियोमेलाइटिस हो जाता है आपका इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द बोन। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं यही इन्फेक्शन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन इनको कहा गया है, जहाँ भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वोन के केस में आप देख रहे हैं तो ये इन्फेक्शन काउज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ब्लड के केस में, आप दूसरे बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये इन्फेक्शन काउज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है आपका स्टेफलोकोकस ऑरियस, आप देख रहे हैं इसकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी मिली है, स्पेसिफिकली बिलोंगिंग टू स्टेफलोकोकस, साथ ही साथ जो इसके इन्फेक्शन्स हैं उनके बारे में भी जानकारी मिली है और वो क्या होते हैं उसको मैंने डिस्क्राइब करने की भी कोशिश की है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिली है जो आपके एग्ज़ाम के लिए या आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी तरह के बढ़िया वीडियो इन फ्यूचर भी लेके आऊँगा जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ बायो साइंसेज। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।